भारत पर आप सबका स्वागत है। और देखिए चांदनी चौक बल्ली मारान की गलियों से श्वेता और मैं ज्योति मिश्रा आज एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं और छठवें चरण के मतदान के जो अपडेट्स हैं, जो उत्साह है लोगों का, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। चांदनी चौक की गलियों में श्वेता, कभी वैसे मुझे लगता है पैदल भी घूमना मुश्किल होता होगा क्योंकि आज यहाँ पर मतदान हो रहा है तो दुकानें बंद है। चलिए फटाफट से अब इस ई रिक्शा से हम नीचे उतरते हैं। भैया जरा रोकना, ई रिक्शा से नीचे उतरेंगे क्योंकि जमीन से आपको दिखा रहे हैं हम सब कुछ कि क्या आज मतदान को लेकर उत्साह है ज्योति। और कुछ लोग इतना इंस्पायर करते हैं जब वो वोटिंग के लिए पहुंचते हैं, बुजुर्ग हो, इतनी गर्मी है, लेकिन जरा देखिए कि दिव्यांग भी वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। इससे पहले देश और दुनिया की खबरें भी हम आपको दिखाएं, जरा फटाफट इनसे जान लेते हैं। मैं देख रही हूँ आप व्हील चेयर पर बैठे हैं, क्या नाम है आपका? शाकिर खान। आप भी बल्ली मारान के ही हैं? जी हाँ, ये 2345 कटरा आलमबेग बल्ली मारान। व्हील चेयर पर जाकर आपने वोट दिया? जी बिल्कुल दिया है जी, ये देखिए निशान। तो इस बार बदलाव होगा चांदनी चौक में या फिर? बिल्कुल होगा, 100.1% कांग्रेस आएगी। तो आप पार्टी ना बताएं, बस अपने मुद्दे बताएं क्योंकि देखिए पूरे देश में आज अलग अलग राज्यों में देखिए मतदान हो रहा है ज्योति। हाँ। और फटाफट से क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त जो आ रही है वो पहले बताते हैं। देखिए वोटिंग के बीच पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बड़ा दावा किया और छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच जौनपुर से धनंजय सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा किया है और कहा है कि जौनपुर में अच्छे मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीतेगी। हैरान करने वाली बात या फिर लोगों के लिए वहां पर एक सरप्राइजिंग बात ये हो सकता है कि अब तक ज्यादातर निर्दलीय लड़ने वाले या फिर बसपा के जरिए उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना, फिर अचानक से काट दिया जाना और उसके बाद धनंजय सिंह का बीजेपी को खुलकर सपोर्ट करना, अपनी सभाओं में भी लोगों को ये कहना और एक बार फिर आज उन्होंने ये दावा किया श्वेता कि बीजेपी जीतेगी जौनपुर से। बिल्कुल, और देखिए हमारे तमाम जो सहयोगी है वो उनके साथ जुड़ेंगे लेकिन पहले सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। देखिए छोटी सी पोलिंग है, बहुत बड़ी पोलिंग नहीं है ये और गांव के मध्य में है। जब आते हैं फुर्सत में लोग आके वोट डालते रहते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है और लोग बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे इसके बाद वोट डालें। वैसे अभी तक यही रहता था कि मैं पहला वोट डालता था तब लोग डालते थे, वो तो रुके हुए थे। मैंने कहा नहीं, फ़ोन करके मैं सिटी में था तो मैंने कहा नहीं आप लोग वोट डालिए हम आएंगे आराम से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, बीजेपी चुनाव जीतेगी, यहाँ से अच्छे मतों से जीतेगी। और देखिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, मनीष यादव आजमगढ़ से, विनोद मिश्रा जौनपुर से, आशुतोष सिंह प्रयागराज से। सबसे पहले जो थे विनोद मिश्रा का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और जौनपुर यानी कि मेरे ही जिले में वो मौजूद हैं। विनोद देखिए यहाँ पर चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है, इस बार बीजेपी की राह आसान है या नहीं ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन बाहुबली जो एक वक्त में चुनाव का फैक्टर डिसाइड करते थे, जब वो खुलकर अगर बीजेपी के समर्थन में आ जाएं तो क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? अब बहुत सही बात कही आपने, कभी जो खुद जो है यहाँ से सियासत में होते थे, खुद चुनावी मैदान में होते थे और कोशिश इस बार भी थी कि वो नहीं तो उनकी पत्नी कम से कम चुनावी मैदान में हो, लेकिन समीकरण सारे बिगड़ गए। ये वही धनंजय सिंह हैं जिन्होंने दावा भी किया था जब कि बिना उनकी मर्जी का कोई भी सांसद जो है वो यहाँ से चुनकर नहीं जाएगा और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी ने उनके उनका समर्थन लिया है। अब वो बीजेपी के साथ हैं तो क्या वो कृपा शंकर को इस बार दिल्ली पहुंचा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, जनता तय करेगी ये। लेकिन जिस तरह की समीकरण है, खासतौर पर जौनपुर की बात करें तो पहले कोशिश ये हो रही थी कि जौनपुर की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाई जाए, लेकिन जो हालात अभी ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं मुकाबला सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है जौनपुर में और बहुत सारे लोग आपको दिखाई एक बार तस्वीरें तो कतारों में खड़े हैं, चूंकि गर्मी का एहसास आपको भी हो रहा होगा, आप भी सड़कों पर हैं और उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर मतदान केंद्रों पे खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो अब ये सी बात है कि लोगों का विश्वास इस लोकतंत्र में है, मजबूत है और इसीलिए लोग आज तय करेंगे कि आखिर जौनपुर से लोकसभा कौन पहुंचेगा। दावे अलग अलग जरूर हो सकते हैं, कुछ देर पहले हमने जो बीजेपी प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह उनसे ही बात की थी, वो भी कह रहे हैं कि इस बार जो है यहाँ कमल खिलेगा, लेकिन ये जो कतारों में खड़ी ये जनता है यही तय करेगी कि कौन। बिल्कुल, देखिए हमारे बाकी सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, फटाफट से क्योंकि चांदनी चौक में मौजूद है तो यहाँ के लोगों से भी बात जरा कर लेते हैं। आप लोग वोट कास्ट कराए? आपने वोट कास्ट कर लिया? आप तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा उम्रदराज है, बहुत सारे मतदान आपने किए होंगे अपनी जिंदगी में, इस बार क्या मुद्दे जहन में, लोकल मुद्दे, चांदनी चौक के मुद्दे या फिर नेशनल मुद्दे? बस चांदनी चौक के मुद्दे नजर आ रहे हैं जी ज्यादातर, तो बाकी ऊपर वाले की मर्जी। तो क्या मुद्दा क्या है आप लोगों का मुख्य यहाँ पे? मुद्दा बताओ क्या परेशानी आप लोगों को? बिजली की समस्या, पानी की समस्या,
और बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि आज बहुत ट्रैफिक है यहाँ, ट्रैफिक में बड़ी परेशानी है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कोई नहीं, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं। चांदनी चौक का विकास भी महिलाओं से भी ज्योति बात कर लेते हैं। मैम वोट कास्ट कराई कि नहीं अभी तक? कराई। क्या महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? अगर हम महिलाओं के जाने, देखिए बीजेपी ने मांग की है कि बुर्के में जो महिलाएं पहुंच रही हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि फर्जी वोटिंग, बहुत सारी बोगस वोटिंग होती है, इसको लेकर क्या सोचती हैं? सोचते हैं भाई, देखो हम तो महिला घरेलू हैं, हमारे तो बाहर बाहर कहीं जा नहीं सकते। अच्छा। हम लोग तो इसलिए जो करता है गवर्नमेंट बहुत अच्छा करती है। अच्छा, क्या 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 सोच के आपने मतदान किया है? क्या क्या दिक्कतें हैं आपको, या सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है ज्योति, सब सही चल रहा है, लेकिन दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, किसी के लिए सही, किसी के लिए सही नहीं। प्रयागराज में वोटिंग के बाद केशव प्रसाद मौर्य के दावे की बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सातवें चरण के बाद 400 पार तय का दावा किया है और कहा है कांग्रेस सपा गठबंधन पर हमला बोलते हुए कि 2017 में चित हुआ था गठबंधन और सपा कांग्रेस और बीएसपी आईसीयू में है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव प्रसाद जी, छठे चरण के बाद आपको क्या लगता है कि 400 प्लस का जो आप लोगों ने नारा दिया था उसके कितने करीब पहुंच चुके हैं? हम 300 प्लस तो पांचवें चरण में पूरे हो गए थे और छठवें चरण में हम 400 के निकट पहुंच रहे हैं और सातवें चरण में 400 पार कर जाएंगे। मोदी जी की गढ़ में आज प्रियंका गांधी और डिंपल यादव पहुंच रही हैं। क्या लगता है कि दीदी और भाभी की ये जोड़ी डबल इंजन की सरकार को? 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, तब ये चारों खाने चित हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये गठबंधन था, भाजपा ने 64 लोकसभा सीटें जीती, बसपा भी उस समय साथ थी। आज तो सपा बसपा अलग अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस और सपा बसपा ये सब आईसीयू में पड़े हुए, इनका कोई भविष्य नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, की कानून व्यवस्था के प्रतीक के तौर पे प्रयागराज को जाना जाता है, सबसे ज्यादा बुलडोजर यहीं पर चला, तो एक माफिया का अंत हुआ, उसका कितना प्रभाव? ये तो कमल का बटन दबाने की जनता ने जो जिम्मेदारी निभाई, इसके कारण यहाँ गुंडागर्दी का अंत हो गया, अन्यथा अब तक 1000 अतीक अहमद और तैयार हो जाते और लोग प्रयागवासी प्रयाग छोड़ करके, प्रदेश छोड़ करके भागना शुरू हो जाते। तो खौफ के बादल हट गए हैं, निश्चित तौर से हट गए हैं और कभी अब वापस नहीं आएंगे। और चलिए सीधे आशुतोष का ही रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए सभी पार्टियां जाहिर तौर पर अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन सबसे जो उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर पहले आपने दिखाई थी कि वहां मतदाता बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, सिविल लाइन में तब आप मौजूद थे, और बड़ी बात यह कि उनके लिए जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं, उनके लिए जो मुद्दे हैं वो रोजगार के हैं, महंगाई के हैं, यानी ऐसे मुद्दे जो वाकई जिंदगी के सरोकार से जुड़े हुए हैं। अभी वहां से क्या तस्वीर है आशुतोष? देखिए अभी के कुछ साल पहले तक यहाँ पर जो मुद्दा था वो कानून व्यवस्था का मुद्दा था, क्योंकि जो यहाँ का एक बाहुबली नेता था वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में यहाँ के लोगों को प्रभावित करता था, मतदान को प्रभावित करता था। लेकिन अब जो खौफ के जो बादल थे, खासतौर से प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद जो था उसके गैंग का पूरे तरीके से खात्मा हो गया है, और यही कारण है कि अतीक को पीछे छोड़ते हुए अब इलाहाबाद आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, और अब यहाँ के लिए जो मुख्य मुद्दे हैं वो विकास है, महंगाई है, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हमारे साथ यहाँ की जनता भी है। सर, इस बार का जो चुनाव है वो कितना अहम है और कितना अलग आपको नजर आ रहा है? इस बार का चुनाव तो बहुत अहम है। मैंने तो भावुक क्या हुआ? राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत और विकास के मुद्दे पर इस सरकार को चुना है। ईश्वर ऐसे लोगों को हमेशा उनके साथ रहे। मैं अब कुछ नहीं कह पाऊंगा, कुछ नहीं, गला रूठ जा रहा है। मैम आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट किया? उसी के आधार पर वोट किया है जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ है। कुछ बुरे लोग भी यहाँ पर थे, उनका खात्मा हुआ और क्या, बहुत हुआ, अच्छा हुआ। तो मैं आऊंगी आपके पास। देखिए गर्मी बहुत है ज्योति, और गर्मी में बहुत जरूरी है कि लोग डिहाइड्रेटेड ना हो, खाना खाते रहे, पानी पीते रहे, और तरबूज जैसे फल, भैया तरबूज लाल वाल है कि नहीं? ये लाल है, लाल तरबूज है, मीठे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा तरबूज खाती हूँ और खरीदती हूँ। ज्योति आप जरा आगे बढ़िए, तरबूज भी लाल है, और मुझे लगता है दिल्ली की गर्मी इतनी ज्यादा कि हम सबके चेहरे भी लाल हो गए हैं, लेकिन लोग अपना वोट करने से पीछे नहीं रह रहे हैं। और देखिए मुस्लिम
राहुल, ये क्षेत्र है, ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं, किसका क्या मुद्दा है, लेकिन महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार इलेक्शन में, क्या बदलाव चाहिए या क्या सोचती हैं जब आप वोट डालती हैं? बदलाव चाहिए, क्यों नहीं, बदलाव की उम्मीद करती हैं? जी जी। अच्छा, बीजेपी की तरफ से एक बड़ी मांग ये की जा रही है कि बुरके में अक्सर महिलाओं की पहचान छिप जाती है, तो आपका पहचान पत्र से नाम और चेहरा मिलाना चाहिए, इस पर महिलाओं का क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो ईमानदारी से कर रहे हैं काम। और आपके परिवार की मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट डाला? जी जी, सबने डाले माशाल्लाह, सास ने डाला, काफी एज है उनकी, अभी डालकर गई हैं वो। देखिए, मैंने डलवाया, किचन का बजट संभालती हैं, तो क्या वो सब बातें भी जहन में हैं? क्यों नहीं, बहुत सारी हैं, परेशानियां उठा रहे हैं हम लोग तक तो। और ज्योति, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आजमगढ़ में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है इस बार, बड़ा रोचक मुकाबला है। बिल्कुल, निरहुआ रिक्शा वाला जब अगर वहाँ पर हैं, तो आजमगढ़ में देखिए हमारे सहयोगी मनीष भी मौजूद हैं, और ऐसे में बहुत टफ फाइट होने वाला है, क्योंकि यादवगढ़ ये एक टाइम पर माना गया। तो मनीष, जरा आजमगढ़ के भी अपडेट हम तक पहुँचाएं कि आखिर किसका रिक्शा यहाँ सड़कों पर दौड़ता नजर आ रहा है, या यादव की सुरीली तान लोगों को पसंद आ रही है? देखिए, बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी या फूल अपना परचम लहराएगा। शिबली कॉलेज के इर्द गिर्द में मौजूद हूँ, माइनॉरिटी तबके के युवा मेरे साथ हैं। आजमगढ़ बदनाम हुआ करता था कि यहाँ कट्टे गुंडे माफियाओं की बात होती थी, आतंकी घटना दिल्ली में हो रही है, कनेक्शन आजमगढ़ का, गुलशन कुमार की हत्या हुई, असलह यहाँ का। ये जो आजमगढ़ की पहचान थी, मुझे लग रहा है बीते 5 साल में 7 साल में बदल गई है, अब बद हट गया है और सिर्फ आजमगढ़ का नाम हो रहा है, ये कामयाबी आप मानते हैं? देखिए, मैं इसमें कुछ संशोधन करना चाहूंगा। गुलशन कुमार हत्याकांड 30 साल पहले हुआ था, ये आजमगढ़ की पहचान कट्टों से नहीं थी। एक कट्टा वहाँ बरामद हो गया तो आप कट्टों से आजमगढ़ की पहचान बता दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये आजमगढ़ वालों के लिए जो है ठीक नहीं है। आजमगढ़ की पहचान देखिए, जिस जमीन पर आप खड़े हैं शिवली, बीते 5 साल में हमने देखा कि हम मुस्लिम तबके की महिलाओं से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आज हमें चेन पहनने में दिक्कत नहीं है और रात में सड़कों पर निकलने में हमें गुरेज नहीं होता, बिना भाई के बिना पिता के हम आसानी से निकल सकते हैं। अच्छा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए, तो मनीष हो, आशुतोष हो, विनोद हो, हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से कोई खबर आपसे छूटे नहीं, कोई समीकरण आपसे मिस ना हो, इसलिए मैं फटाफट से एक रिएक्शन देखिए, क्योंकि चांदी चौक में मौजूद है दुकानदार। कितने साल से आप यहाँ पर हैं सर? कितने सालों से दुकान आपकी? पैदाइश से ही है। पैदाइश से यही है, बहुत बदलाव आपने देखा होगा, चांदी चौक को बनते बिगड़ते देखा होगा, इस बार क्या बनता हुआ देख रहे हैं? भाई, इस वक्त को पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो गई रोजगार की वजह से, तो जाहिर है अब चाहती है कि कुछ बदलाव तो आए। मतदान कर दिया? दिखाइए जरा, ताकि लोग बाहर निकले, गर्मी बहुत है ज्योति, लेकिन जरूरी है कि मतदान करें। वाकई, और देखिए ऐसे में मैं भी आपको अपना निशान दिखा रही हूँ श्वेता, कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। बहरहाल, देश भर में मतदान को लेकर क्या रिएक्शन है, कितना उत्साह है, मुस्लिम बूथों पर खासतौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, बढ़ चढ़कर जो वोटर्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और आज 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोट डाला जा रहा है। इस चरण में किसका पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, मतदाता किन मुद्दों पर वोट डाल रहा है, बुरके में महिला वोटर्स की पहचान का मुद्दा कितना हावी है, इन तमाम पहलुओं पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम देश के कोने कोने से लगातार आप तक खबर पहुंचा रही है। कहीं मतदाताओं में उत्साह है तो कहीं मिला जुला असर नजर आ रहा है। तो दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया मुस्लिम बाहुल्य है, इस इलाके में बड़ी संख्या में महिलाएं भी वोट डालने पहुंची है। जरा आपको दिखाते हैं कि किन मुद्दों को जहन में रखकर वो मतदान करने पहुंची है। मेरा नाम गुलशदा है। गुलशदा, किन मुद्दों पर वोट देती हैं, क्या क्या सोच कर वोट देती हैं, युवा हैं, बदलाव चाहती हैं? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम बदलाव चाहते हैं, और इनफैक्ट इसलिए वोट दिया है कि हमें राइट्स है कि हम वोट दें और हम अपनी बात रखें, हमारे वोट के द्वारा ये पहुंचे कि हम किसको अप्रिशिएट करते हैं और किसको मोटिवेट करना चाहते हैं। और आपको पता ही है इस टाइम कितना कॉम्पिटिटर चल रहा है कि कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। आप वोट देती हैं तो मुख्य मुद्दे क्या होते हैं आपके? विकास होती है, विरासत होती है, सुनो, कोई भी आ जाए, कोई किसी तरीके का काम नहीं करता, ये तो हमको देना है वोट, तो देना ही है हमें, किसी से कोई लेना देना नहीं है। पेंशन लेना हमारी बंद नहीं है तो कब आएगी? तो ये मुद्दे जरूरी है। देखिए, यही तस्वीर है इस बार लोकसभा चुनावों की, कि चुनाव जो है वो लोकसभा के हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं लोगों के वो राष्ट्रीय नहीं, बहुत ही ज्यादा पर्सनल और लोकल है। हम तो ये चाहते हैं अपने देश के अंदर जो है सुख शांति रहे और सबको रोजगार मिले, जो मेहनत कष्ट लोग हैं उनको मेहनत के हिसाब से, जो पढ़े लिखे हैं उनको पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से उनको जॉबें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये हमारा, और हमें को, हमें तो अपनी मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है हमने। बिल्कुल, जो बेचारे पढ़े लिखे उन्हें नौकरी नहीं मिलती, उन्हें नौकरियां मिले। ठीक, बेरोजगारी नौकरी जो है वो मुद्दा अभी भी बरकरार है फिलहाल कैपिटल ऑफ इंडिया में।
चांदनी चौक के पराठे, चांदनी चौक की कचौड़ी, सब्जी, हलवा, सब कुछ खाने का यहाँ बहुत मशहूर है। और मशहूर यहाँ पर ज्योति है क्योंकि वोटिंग है, तो लोग भी आज बड़े खुश हैं। और देखिए मतदान के बाद जलपान करने पहुंचे हैं। बिल्कुल, और ललचाई आंखों से मैं और श्वेता छोटे बच्चों की तरह ये देख रहे हैं कि आगे हम क्या कुछ खा सकते हैं, क्योंकि आज चांदनी चौक में वोटिंग के साथ साथ खाने का भी उत्साह है। लेकिन अगली खबर जरा श्वेता बता दीजिए। बिल्कुल, अगली खबर तब तक आप देखिए कि और जो लोग हैं वो किन बातों को ध्यान में रखकर, क्योंकि बुर्का पहनकर वोट डालने के लिए आने वाली मुस्लिम महिलाओं जो मतदाताएं, उनके वेरिफिकेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है दिल्ली में, इसको लेकर के महिलाएं क्या सोचती हैं, लोग क्या सोचते हैं, आप जरा ये देखिए। तब तक हम चांदनी चौक का पराठे एंजॉय कर लेते हैं। किसी को देखो, जिसको शक है वो चेक कर सकता है, व्हाई नॉट, मैं तो फेस भी शो कर सकती हूँ, इनफैक्ट वोट दिया है हमने और ये हमारा राइट है। अगर लेडीज ही लेडीज का चेक करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर वेरिफिकेशन हो रहा है क्या प्रॉपर, मतलब चेक किया जा रहा है फेस और ये? जी, करा जा रहा है। इससे कोई समस्या तो नहीं किसी भी तरह की? नहीं नहीं, क्यों गलत है यार, सबका अधिकार है, ये तो वोट डालना सबका अधिकार, वोट डालना अधिकार है, लेकिन चेक करना चाहिए, वेरीफाई करके, ताकि कोई गलत ना आ जाए। गलत ना आ जाए, सही बात है, कुछ सही मानती है कि इसको अच्छे से वेरीफाई। जी जी, बिल्कुल ठीक हो रहा है सब कुछ, इंक्वायरी सारी सही है। सही है जी, कोई दिक्कत अंदर नहीं, तो नहीं। ज्योति, मैंने देखिए तो हलवा पूरी भी ले लिया है ताकि चांदनी चौक के जायके को मिस ना करें। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटी छोटी पूरियां और हलवा श्वेता इसका लुत्फ उठा रही है। लेकिन ये ना सोचें कि हम आते ही खाने पे टूट पड़े, श्वेता सुबह से चांदनी चौक की गली गली में घूम रही हैं, वोटर्स से भी बात कर रही हैं। और ऐसे में चांदनी चौक के मतदाताओं ने श्वेता आपसे बातचीत में क्या कहा, जरा एक रिपोर्ट के जरिए हम पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तब तक मैं हलवे खाती हूं। से मैं दिखा देती हूँ आपको बल्ली मारान, जो कि बहुत ही इंटीरियर चांदनी चौक का इलाका है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और देखिए वोटर्स बहुत ज्यादा, जितना आप समझ रहे हैं, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने तो नहीं है, लेकिन कुछ जो यंग वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। मैम से मैं बात करूंगी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलिश्मा है। अलिश्मा, आपने वोट कर दिया, दिखाइए जरा अपनी उंगली का निशान। तो अलिश्मा, क्या मुद्दे आपके जहन में थे, या लोकल मुद्दे, या फिर आप नेशनल फेसेस और मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? जो ये इतना करप्शन हो रहा है, इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इन सब चीजों को एक साइड रखते हुए हम वोट कर रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी ने मांग की है कि बुरके में जो महिलाएं वोट कास्ट करने आई उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगी? हाँ जी, पूरी वेरिफिकेशन करिए आप हमारी, ऐसे वेरिफिकेशन होनी चाहिए आपको लगता है? ठीक है, इनके शौहर भी हमारे साथ है। सर आपका नाम? मेरा नाम हाजिक है। हाजिक, आपने वोट कर लिया? जी कर लिया। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ अगर चांदनी चौक की हम बात करें लोगों में? बता, वैसे तो देखिए आज देश भर में चुनाव का माहौल है और अक्सर शहरों में दुकानें बंद रहती है, लेकिन दिल्ली की खासियत ही यही है कि पुरानी दिल्ली जब आप आए, बल्ली मारान जो कि अपने चश्मों जूतों के लिए जाना जाता है, यहाँ की बिरयानी भी बड़ी फेमस है, लेकिन मजे की बात यह है कि आज दुकानें खुली भी नजर आ रही हैं। और काफी कैसी बिक्री हो रही है सुबह से? सही हो रही है। वोट डाला कि नहीं आप? हाँ डालिया है। डालिया, बदलाव होगा या वही पुरानी बिरयानी? पता नहीं जिसका बात है। देखिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि चांदनी चौक देखिए कभी बंद नहीं होता, क्योंकि बहुत ही मशहूर यहाँ की दुकानें हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम भी